गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज सुबह सुबह मैंने जब उठी, मतलब उठकर फ्रेश हुई, फिर बिस्तर वगैरह सब कुछ समेट लिया, फिर आई हूँ गार्डन पर। हमारे जो नीचे वाले गार्डन एरिया है उन वहाँ पर तो आज कुछ ज़्यादा गुलेर के फूल हैं। मतलब 2 दिन से उतना ज़्यादा फ्लावर नहीं खिल रहा था, क्योंकि बरसाती के चलते पूरा जो पेड़ पौधा है उनमें जो पानी जमा हो गई थी, इसलिए ज़्यादा फूल नहीं खिल रहा था। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा फूल खिला है 2-3 दिनों के बाद। तो आज धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो देखो बात करते करते मेरा जो फूल है वो उठाना हो ही गया। उतना ज़्यादा जो वाइट फ्लावर है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, और ये देखो छोटे छोटे ब्रिंजल भी हुआ है पेड़ में एक दो, पर ये थोड़ा सा बेंड हो जा रहे हैं। और ये देखो एक बड़ी सी ब्रिंजल है, तो इनमें जो कीड़े लगे हुए थे तो इसीलिए मैंने इसे तोड़ लिया। और पेड़ भी जो मिट्टी के, मतलब वो मिट्टी के अंदर घिस चुका था पेड़, ठीक है। तो ऊपर के जो छत है उसमें देखो आज कितने ज़्यादा टाइमफुल हुआ है, मतलब वो 12 o'clock फ्लावर हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। कल भी दिखाया था मैंने और आज भी देखो एकदम एग्जैक्ट ब्लूमिंग है, कितना ज़्यादा खिल रहा है। मतलब बरसाती के पानी भी उसको अच्छा लगता है, फिर धूप भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है। ये फ्लावर पूरे साल ही खिलता है, इवन ये विंटर में भी खिलता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखो ये एडेनियम के पौधे में हम लोग एक ही सिर्फ जो टहनी है उसको लगाया था, और ये देखो पूरा एकदम भर चुका है, छोटे छोटे पॉट में भी पूरा एकदम इतना ज़्यादा हो गया है और पूरा भर चुका है। ये देखो कुछ फ़ोटोज़ मैंने ऐड किया है, इतना सुंदर कलर है, मतलब फ़ोन में वैसा कलर आती ही नहीं है। मतलब जो रेडिश टाइप का है, पिंकिश रेडिश टाइप का है, चेरी रेड जो होता है वो कलर का ये फ्लावर है, बहुत ही खूबसूरत है कलर, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। पर घर में जो मैं अगर ला के रखूँगी तो ये नहीं रुकेगी। और ये देखो कुछ कुछ पॉलिनेटर है, मतलब यहाँ पर चींटियाँ है, तितलियाँ है, और जो हमारे गिलहरी है वो भी आकर ये फूल की जो टहनी है उसको तोड़कर अपने घर ले जाता है क्या बताओ। तो देखो कितना ज़्यादा ब्लूमिंग हुआ है, कल भी हुआ था, कल भी दिखाया था मैंने, और आज भी कितना ज़्यादा ब्लूमिंग हुआ है। देखो तो आज तो पेड़ पूरा सूख गया था, कल इतना ज़्यादा धूप था, आज भी धूप है, तो सुबह सुबह मैंने थोड़ा पानी भी दिया छत के, ये जो फूल वगैरह है इनमें थोड़ा मैंने पानी भी दिया, क्योंकि जो फ्लावर है इसका जो पौधे के देखे मैंने जो कंटेनर था वो पूरा मिट्टी सूख चुका था, और बरसात तो हुई नहीं फिर, और तो इतना ज़्यादा तेज़ धूप में पूरा सूख चुका था। पता नहीं कल फूल अगर खिलेगी भी नहीं खिलेगी, इसलिए मैं ही पानी दे रही हूँ कि फूल खिलती रहे। तो बात करते करते मेरा जो पानी देना था वो भी हो गया है, आप लोग दिख ही सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर ब्लूमिंग है, मतलब नज़र ही नहीं हटता है, इतना सुंदर ब्लूमिंग है इसका, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी को दिखाई, मम्मी ने भी पूरा फोटो खींची, और पापा को भी दिखाई, पापा तो सुबह सुबह दिखकर मुझे आकर बोली। और ये देखो आज गुरुवार है, तो गुरुवार हमारे घर में जो आम के पत्ते होते हैं उसको घट के ऊपर, जो ठाकुर जी के घट होता है उसके ऊपर रखा जाता है, तो आज थोड़ा सा मैं ये आम के जो पत्तियां है, मतलब 5 पत्ती वाली एक छोटा सा टिप वाला जो एरिया होता है उसको मैं लूँगी, और साथ में जो और भी चीज़ है तो आज कुछ कुछ चीज़ पूजा में एक्स्ट्रा लगती है वो भी मैं ले लूँगी, मतलब जो दूर्वा वगैरह होता है, पान होता है, पान पत्र वो भी लगता है आज। तो ये देखो मेरा हो गई है, और फिर मैंने आकर नीचे आकर नहाई, फिर उसके बाद मैंने पूजा दी और पूजा भी कंप्लीट हो गया है। फिर मैं पूजा देने के बाद जो पूजा का प्रसाद होता है उसका उतार लिया था, फिर मैंने खाने बैठी थी, तो आज भिंडी और जो आलू की एक सब्जी था और जो खट्टा दही था वो, और तो 2 रोटी दिया था मम्मी ने। तो आज हमें कहीं पर जाना है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी में सब काम निपटा रहे हैं।
तो खाना करके मैं गिफ्ट वगैरह को पैक करूँगी, क्योंकि हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है। तो मैं इधर खाना खा रही हूँ और मम्मा वहाँ पर रेडी हो रहे हैं, तो निकल गए और हम लोग चले आए थे। बहुत देर हो गया था आकर, जो गिफ्ट वगैरह है दिया था, फिर ढेर सारे बातें किया था, फिर खाने के लिए बैठ गई। खाने के लिए चावल था, ब्रिंजल फ्राई था, मटन था और 2 टाइप का फिश था। फिश तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, मटन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। कातला फिश और जो पॉम्फ्रेट होता है वो वाला फिश था। और यहाँ पर जो बर्थडे केक देख रहे हो, तो हमारा मतलब खाने के बाद थोड़ा सा और हम लोग ने बातें किया, फिर केक कटिंग हुई, फिर हम लोग घर चले आए। और घर आने के बाद मैं थोड़ा सा पढ़ाने बैठी थी, मैं खुद पढ़ने बैठी थी। फिर थोड़ा देर बाद मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने एक छोटा सा ड्राइंग किया है, देखो आप लोगों को कैसा लगा बताना। तो अगर अच्छी लगे तो मैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं और भी ज़्यादा पेंटिंग करूँगी। तो छोटा सा ही पेंटिंग था, तो बस ऐसे ही मन किया तो बना दिए। तो कैसा लगा बताना, और अच्छे लगे तो ऐसे बहुत सारे पेंटिंग में करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है? तो वीडियो कैसा लगा बताना। और ये पेंटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि पेंटिंग में मैं थोड़ा कुछ लिखना चाहती हूँ जो अब कंप्लीट हो गया है। ये देखो मेरा जो लिखावट है वो भी हो गया है। तो मैंने जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनका जो गीत है, उस गीत से मैंने एक जो लाइन है उसको यहाँ पर लिखा है बंगाली में, देख पा रहे हो? प्लीज़ कैसा लगा बताना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ठीक है? तो कल जब मैं और मम्मी गए थे मतलब बर्थडे पार्टी में, तो मैं तो भूल ही गई थी पूरा वीडियो करना या फ़ोटो वगैरह खिंचाना। तो जितने भी था थोड़ा थोड़ा फ़ोटो, और मैंने नहीं सोचा था कि हाँ मैं जब निकलूँगी तब मैं फ़ोटो खींचूँगी, तब जल्दी जल्दी निकली। तब कल इतना ज़्यादा तेज़ धूप भी था और मतलब पूरा भूल ही गई, पूरा भूल ही। घर से निकली और मेरा फ़ोन जो बैग में मैंने डाली और मैंने उतना ज़्यादा निकाली नहीं, तो मैंने पूरा वीडियो करना सब कुछ भूल गई थी। तो जो जो भी फ़ोटो मैं बाद में मतलब कलेक्ट कर पाई हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। और आज की भी वीडियो जो है मैं पोस्ट कर रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है, आप लोग देख ही सकते हो, 6-7 मिनट के ज़्यादा नहीं है। क्योंकि कल के जो पूरा दिन था मेरा तो बहुत ज़्यादा बाहर बाहर गुजरा था। फिर आके मतलब जो ट्यूशन था तो वो बच्चे भी चले आए थे, फिर उन लोगों को ट्यूशन दिया, फिर मैं थोड़ा सा पढ़ने बैठी थी, फिर थोड़ा सा मुझे याद आया, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी पेंटिंग करा जाए, तो मैं पेंटिंग करने बैठी। फिर रात के खाना हो गया, बस फिर सोना। तो क्या बताऊँ, मतलब भूल ही गई, मतलब मैं फ़ोन के जो वीडियो लेना है या फ़ोटो लेना है मैं पूरा भूल ही चुकी थी, तो नहीं ले पाई। तो ठीक है, एंजॉय करिए मेरा वीडियो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।